कमाल है जनरल साहब, आज सारी दुनिया में दिवाली के दिए जगमगा रहे हैं और आप अपने घर में अंधेरा किए बैठे हैं। वो कमबख्त दिवाली की रात जब डाकू धर्म सिंह ने मेरी बीवी का कत्ल किया था और मेरी बच्ची को उठाकर ले गया था, उसे भी खत्म कर दिया होगा। खुदा ना खास्ता ऐसा ना कहिए जनरल साहब, खुदा पर भरोसा रखिए, हो सकता है कि आपके घर का चिराग कहीं और रोशन हो। नहीं नहीं नवाब साहब, आप डाकू धर्म सिंह को नहीं जानते, दरिंदों के सीने में भी दिल होता है, लेकिन डाकू धर्म सिंह के सीने में दिल नाम की कोई चीज नहीं थी। जनरल साहब, आज इस तरह से सारी बत्तियां बुझाकर आप रो रहे हैं, हो सकता है कि वो कमबख्त धर्म सिंह भी न जाने कितनी रातें इस तरह रोया होगा। आपको कैसे मालूम नवाब साहब? ये तो बड़ी सीधी सी बात है जनरल साहब, धर्म सिंह कोई पागल तो होगा नहीं जो खामखा आपका घर उजाड़ देता। अगर हमारी सुनो तो आपने जरूर उसे कुछ नुकसान पहुंचाया होगा। दुरुस्त है आपका, एक रात धर्म सिंह किसी का कत्ल करके भागा जा रहा था और मैं उसका पीछा कर रहा था। मैंने उस पर गोली चलाई, इत्तेफाक से वो गोली उसकी बीवी को लग गई। उसकी बीवी और बच्चा दोनों नदी में गिरकर डूब गए। सर। यस। चंदन डाकू की चिट्ठी आई सर। ओफो, ये भी एक मुसीबत। चंदन साहब, अब ये कमबख्त कहां हमला करने वाला है, जरा हम भी तो सुने। नवाब साहब, एक करोड़पति के यहां शादी होने वाली है, वहां डाका डालने वाला है। मिस्टर मेरा। यस सर। सारा इंतजाम ठीक है? एकदम सर। आईजी साहब, आपके आदमी तो सारे होशियार हैं ना? आप इत्मीनान रखिए, हमारी तरफ से पूरा इंतजाम है। मगर मेरे दिल पे तो घोड़े दौड़ रहे हैं और गला अलग सूख रहा है। घबराइए नहीं। वेटर, इधर आओ। आप इधर आवे। लीजिए, पीजिए। शेठ जी ने कहा है कि जल्दी सबका मुंह मीठा करा दो, सुबह घड़ी जाने वाली है, जल्दी बैठ के पियो, बैठ आदमी चल ले लीजिए। अब जान में जाना ही। सेठ जी, आप तो खामखा नर्वस हो रहे हैं, इतनी पुलिस के और हमारे होते हुए चंदन डाकू तो क्या, यहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। थैंक यू वेरी मच जी साहब। इस फंक्शन के खत्म होने के बाद आप आराम की नींद सो जाइए। वैसे सोच तो मैं भी ये रहा हूं। अरे सेठ जी, ये क्या हुआ? मेरा ऊपर आओ। खबरदार। वाह बरखुरदार, चिट्ठी मैंने भेजी, फायदा तुम उठाना चाहते हो। फिफ्टी फिफ्टी डन। माल गायब है, ये पगड़ी। ये पगड़ी तो उसी बदमाश की है।
भगवानी माँ, सिंध की भरीनी हाथों से तुम्हारे चरणों में दिया जलाता रहा हूं, और आज आज इन्हीं हाथों से माँ माँ मुझे क्षमा करना। यहां तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन वो लोग आए इसी तरफ। थोड़ा जाऊंगा, यहां तो बदमाश तो नहीं आए। बेटा ये भगवान का घर है, यहाँ बदमाशों का क्या काम? फिर भी आप देख लीजिए। मेरे अड्डे पर ले चलो। कहाँ है तुम्हारा अड्डा? चलो मैं बताता हूँ। तुम देखकर डर गए? डर नहीं गया, मर गया। क्या मतलब? आपने मेरी जान बचाकर मुझे खरीद लिया है। आप तो बच गए, पर आपके एहसान ने मुझे मार डाला। आज से राजू की जिंदगी आपकी है। राजू, आप रो क्यों रहे? पगले, मैं कब नहीं रोया। एक पुरानी याद हमेशा मुझे खून के आंसू रुलाती रही। कैसी याद? बच्चे की। मेरे भी एक बेटा था, आज वो होता तो तुम्हारी उम्र का होता, लेकिन अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं अपना बेटा कह सकूं। आदाब अर्ज करता हूँ जनरल साहब। यहाँ नहीं नवाब साहब, घर पर। जनरल साहब, डाकुओं को तो भेद बदलते हुए देखा था, लेकिन पुलिस वालों को हुलिया बदलते कभी नहीं देखा। ये तो हमारी नौकरी की बात है। अगर हमारी सुनो तो मूछ ठीक तरह से चिपका लो, निकली जा रही है। ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली है नवाब साहब। कुछ खरीदने का भी इरादा है या हमारी तरह आंखें ही सेक रहे? देख रहा हूं बस की बात है कि नहीं। बस तो आपको सड़क पर मिलेगी साहबजादे, यहाँ तो जेवरात हैं। जी हाँ, वो भी काफी कीमती है। क्यों? बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं पान का फूके।
साहबजादे, अगर किसी ने बिजली ऑन कर दी तो खतरे की घंटी के साथ आपकी भी घंटी बज जाएगी। बड़े मियां, बोर मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी घंटी बजा दूंगा। मैं सीआईडी का हूं, समझे? माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तो एक ही नजर में समझ गए थे। कुछ भाइयों और बहनों, अभी इधर का टाइम खत्म हुआ, आप लोग जा सकते हैं। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ भाई। चार बज गए खान साहब। आप इधर, चार बज गए। हां जनाब साहब, शाम को शतरंज की बाजी तो लगेगी ना। ओ जाओ, इधर भेजा मत का। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। आप लोग जाएगा तो हमारा ड्यूटी जल्दी खलास होगा। सिपाहियों, बाहर आओ। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक दफा फिर से समझा दूं। रात में हर शख्स अपनी अपनी जगह बहुत होशियारी से रहेगा। तमाम खिड़कियों और दरवाजों में अलार्म लगा दिए गए हैं। अगर कोई शख्स भी आने की कोशिश करेगा तो घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी। इंस्पेक्टर मेरा, सुई चान करो। इंस्पेक्टर रेडी? कर दिया सर। यस, गुड। आप लोगों ने यह डिमॉन्स्ट्रेशन तो देख लिया होगा। अगर इस एहतियात के बावजूद भी कोई अंदर आ जाए तो उसके लिए हमने एक और इंतजाम किया है। वो कोने में एक ऑटोमेटिक कैमरा है जो हर 5 सेकंड के बाद फोटो लेता रहेगा।